और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, इकट्ठे सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, हम तो इकट्ठे तो आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब मेरा नाम जगदीश राज है। जगदीश जी, क्या जो प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं किसानों तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल। आपको कोई लाभ मिला? हमें भी लाभ मिल रहा है जनाब। क्या कुछ लाभ मिला? हमें जनाब 6,000 रुपया साल का मिलता है, 2,000 3-3 महीने के बाद आता है, तो हम उनका वेलकम करते हैं कि उन्होंने जो काम किया है तो हम उसको अच्छा समझे, है अच्छा, वो हम वेलकम करते हैं उनका। आपने जो पैसा आपको मिलता है, क्या उससे जो है आपका गुजारा हो पाता है, या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम जनाब उसके यानी खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, वो जमीन में लगाते हैं, हमें गुजारा हो रहा है, और यानी जो काम जब से ये चल रहा है तो हम खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हमारी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि जैसे आप मत कर रहे हैं मोदी जी, तो आंध्र के लिए गरीबों का ख्याल रखना, और मत जैसी रखी है वो वैसी मिलनी चाहिए, हम वेलकम करते हैं। 3 लोन्स में 30 पंचायत साथी हैं, इसमें 6,968 फार्मर हैं। हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं 6,968 फार्मर रजिस्टर्ड हैं इसके अंतर्गत, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं, जो यानी कि इस स्कीम में फॉल करते हैं पीएम किसान की, जिसको 2,000 रुपया मिल सकता है, उसमें सिर्फ 4,171 फार्मर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको 2,000 रुपया अभी मिल रहा है। उनमें से 4,166 को अभी सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, 5 फार्मर जो ऐसे हैं इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, 4,166 के पूरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो एक किस्त के 83,32,000 रुपया बनता है, और एक साल का 4,99,92,000 रुपया एक साल में इन फार्मरों के अकाउंट में जाता है, और अभी तक ये जो सारे पैसे इनमें गए हैं 10,50,00,000 के करीब अभी तक पीएम किसान के अंतर्गत इस बांटे गए हैं, किसानों के खाते में पैसे डायरेक्ट गए हुए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट डालेंगे, और ठीक 12 बजे 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट वहाँ से पड़ेगा, इसलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर बदरवाल राहत बशीर, तो जैसे हर एक डिपार्टमेंट के पास कुछ स्कीम्स होती हैं, ऐसे हमारे पास भी कुछ स्कीमें हैं। जैसे आपको जानकारी होगी, प्लांटेशन हमारे पास एक स्कीम है, वर्मी कंपोस्ट है, टिलर्स हैं, उसके अलावा हैंडलिंग यूनिट होता है हमारे पास, पैक हाउस, ये जो है इन सभी स्कीमों से आप बखूबी वाकफ हैं पहले से। लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में भी पानी का जरिया है, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी इलाके में हैंड पंप अगर ऑलरेडी लग रहा है, जहाँ पे पानी निकल रहा है, तो उस इलाके में आप बोरवेल भी लगा सकते हैं। तो बोरवेल के लिए जो है हमारे पास सब्सिडी 90,000 है, लेकिन वो 90,000 जो है वो कम पड़ रही है सर हमारे इलाके में, ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ऊपर सेक्रेट लेवल से जो है नबार्ड वालों के साथ टाइप किया है, जो कि अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें जो है 2,50,000 तक, अप टू 2,50,000 तक जो है सब्सिडी हम प्रोवाइड करेंगे। कोई भी इंसान जो बाग वाला होना चाहिए, शर्त है कि वो आर्चिडिस्ट होना चाहिए, तो अगर वो बोरवेल निकालना चाहता है और उसको ये जानकारी है कि हमारे इलाके में ऑलरेडी जो है पानी आ रहा है, तो उसको जो है हम बोरवेल जो है सेंक्शन करके देंगे, उसको 2,50,000 तक सब्सिडी है। जो हमारी रेगुलर स्कीम है उसमें ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 90,000 तक सब्सिडी। मैं DDC काउंसिल युधवीर सिंह ठाकुर भद्रवास से, आज का जो प्रोग्राम ये चल रहा है किसान निधि का, तो जैसे आप सबको पता है कि 18,000 करोड़ का पैकेज मीन्स कि सीधा डायरेक्ट अकाउंट होल्डरों में आज जा रहा है, उसको आज अकाउंटों में ये डाल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जो किसानों के खाते में डायरेक्ट 18,000 करोड़ डालने जा रहे हैं पीएम साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया
करता हूं कि इससे किसानों को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और आने वाला जो फसल, जैसे कि इस वक्त हमारा धान सारी अपना घास गेहूं सरसों बीजने का जो इस वक्त हमारा सीजन चल रहा है, उसमें किसानों को पैसा आएगा और अपना बीज खरीद सकेंगे और अपना जो भी है किसान का जो भी खर्चा होता है उसमें वो उनको एक मदद मिलेगी। चार महीने में किस्त आ जाती है बैंक में, मेरे में 6 किस्तें आ चुकी है जिससे हमारा घर का और कृषि का सब काम चलता रहे। हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त बैंक खातों में सीधे पहुंचने पर जहां किसानों की बीज। देखिए, मैं सरपंच सरतेंगल शेख इरशाद लावे ब्लॉक भद्रवा से हूँ। आज का जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर की तरफ से लगाया गया है। आज प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत जो है आज 2000 रुपये किसानों के खाते में आया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ तक इस स्कीम का जो है ये 2019 में शुरू हुई थी और पिछले साल भी क्या कहते हैं 6,000 जो है किसानों के खाते में आया और इस बार भी इन्होंने शुरुआत की है, अच्छी स्कीम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है हमारे हिंदुस्तान का किसान जो है सड़कों पे है, 1 महीना आज हो गया उनको बॉर्डर्स पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे क्या कहते हैं किसान इस ठठोरती ठंड में खड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, हम चाहते हैं कि इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं रखनी चाहिए, इसमें किसानों के साथ जाके बात करके उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर सही है तो सही है। अगर जिनके लिए स्कीम कहते हैं कि कानून बने हैं उनको ही पसंद नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। आपको क्या लगता है भद्रो के जितने भी किसान भाई हैं उन सब के पास ये स्कीम का लाभ पहुंच रहा है? हाँ, तकरीबन मैं तो कहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ इस मसले में कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जितने भी किसान भाई हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं हर किसान के खाते में पैसा आ रहा है। सर, मेरा नाम साज निसार खान है, मैं AEO घाटा नोडल ऑफिसर, इस प्रोग्राम का जो किसान निधि का प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है इसका नोडल ऑफिसर हूँ मैं। तो ये जो प्रोग्राम आज स्पेशली हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि 18,000 करोड़ है, 9,000 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जाना है। और ये पहली बार इस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है जो कि लाइव है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद इन फार्मर्स के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये स्कीम 2018-19 दिसंबर में शुरू हुई थी और आज इस स्कीम के तहत 7वीं इंस्टॉलमेंट फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस स्कीम का लाभ हमारे ये जो भद्रवा ब्लॉक में इस वक्त 4166 फार्मर्स को मिल रहा है जो कि एलिजिबल हैं इसमें। और आज जो किस्त जानी है, अमाउंट जो आज इंस्टॉलमेंट जानी है, वो 83,32,000 रुपये इनके अकाउंट में आज जाने हैं। तो ये आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर स्पेशली इसके लिए किया गया है। और इस वक्त ये हमारे यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स भी आए हुए हैं, लाइट ब्रांचेस जो हैं हमारी एग्रीकल्चर्स की, और फार्मर्स भी आ रहे वगैरह तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये प्रोग्राम लाइव देखने के लिए। इसी सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा है। सर, इस स्कीम के तहत इनको जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे बीज लेने का या फर्टिलाइज़र लेने का, जो ये स्कीम के तहत इनको पैसा मिल रहा है, वो अब इसमें अपना खाद भी खरीद सकते हैं, बीज खरीद रहे हैं और अपनी फार्मिंग कर रहे हैं और अपनी ये जो उनको सोर्स इनकम था वो जनरेट कर रहे हैं। तो इस स्कीम का ये फ़ायदा हो रहा है इनको।